The जोश is high भाई। बर्फ हो रहे हैं सब। Proper third year फीलिंग अब आ रही है। It's my OT day today. So guys हम डे वन में पहले दिन कितना लेट है? 20 मिनट। कोल्ड भी हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ तो हम नहीं जा रहे हैं, बट हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है थर्ड ईयर के। मुझे तो सब्जेक्ट भी नहीं पता है, हम अभी टाइम टेबल देख रहे थे बैठ के, सोच रहे थे किस दिन ज़्यादा छुट्टी ले सकते हैं। कॉलेज में तीसरा साल होने वाला है और तीसरे साल में तीसरी बार एवरी फर्स्ट डे रास्ता भटक जाता है। मैंने साहिल से पूछा कहाँ जाना है, कहता इधर से उधर जाना है, उधर है। गाइस क्लास और हम बहुत लेट हैं, क्या करना है अब? तो पागल है क्या? पूरी क्लास पर तो कोई रूल नंबर 1 चलना चाहिए। हथेली पर रख कर भाई बर्फ हो रहा है सब, बर्फ। हमारे अब पोस्टिंग के बैचेस चेंज हो गए, सब चेंज हो रहा है। अबे तू हमारे साथ होगी ना, तो 77 होगी, ये अलग हो गया। क्या 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 हो गया? पोस्टिंग चेंज हो गया। मजाक मत, तुम्हारे अलग को एक बैच समोसा बोल देना। और डे वन ऑफ कॉलेज में हम आ चुके हैं। कॉलेज के बहुत बार प्रायोरिटीज, सबसे ज्यादा जॉबलेस लोग हैं पूरे पार्क में, सब बैठे हुए हैं बस धूप सेक रहे हैं। Don't become a doctor. हमारा फर्स्ट कम्युनिटी मेडिसिन क्लास है। कम्युनिटी मेडिसिन इज सपोज्ड टू बी लाइक कि बहुत ज्यादा अटेंडेंस के लिए स्ट्रिक्ट है। ज़फर आलम आया है। You are also having very very low attendance. You are among the lowest of the attendance. You have to attend all the classes for being allowed to sit in the exam. उसको सांस तो लेने दे बे। So guys हम एम्स आ गए हैं डे 2 पे ही बुक्स लेने। The जोश इज हाई भाई, वेरी हाई। पढ़ना शुरू करना है सही में। थर्ड ईयर आ चुका है अब। भैया हमको क्या क्या चाहिए था बताइए? धींगरा दे दीजिए, ENT को FMT चाहिए, 3 खुराना दे दीजिए ऑप्था की। ये इंटरेस्टिंग लग रही है, पता है ये क्या बात करता है यार? तो पार्क्स हाँ नहीं पार्क्स मैंने फर्स्ट ईयर में ले लिया। मेरे को ये पढ़ना है और ये पूरी याद करनी है। 3 ग्लोबल्स मिला के एक है। आई भी नहीं जा रही, डम्बेल की जगह यूज कर सकते हैं। भैया हम तो हर साल आप ही से लेते हैं। आपने बोला था हिमसर के स्टूडेंट्स के लिए 200 रुपए तो आप ऐसे ही ऑफ करते हैं। मैंने बोला अच्छे से डिस्काउंट लगा दीजिए भैया, हम 3-3 सेट ले रहे हैं। भैया हमारे लिए डिस्काउंट कर रहे हैं, अच्छे से डिस्काउंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। कितना डिस्काउंट लगाया भैया आपने? इस पे 35% है, इन दोनों पे 25 है, इस पे 20 है। छाई नहीं रही बुक्स अंदर, पूरे साल का बोझ कंधे पे है सही में, पूरे साल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फर्स्ट और सेकंड ईयर की भी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये वो टेलर शॉप है जहाँ से हम सारा, हम बेसिकली एम्स बस काम कराने आते हैं। मेरे को अपने वो बनाना है, स्क्रब। ओ हाँ स्क्रब्स बनवाएंगे यहाँ से। भाई जब बुक्स के लिए पैसे दो तो बड़ा बुरा लगता है, कपड़ों के लिए दो तो मजा आता है। इंटरेस्टिंग प्रायोरिटीज राइट। हेलो गाइज इट्स माई OT डे टुडे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मेरा पहला OT है इस साल का। ये काफ़ी लूज है मेरे को, बट ठीक है मैं वहाँ फैशन शो थोड़ी करने जा रही हूँ। डेज ओवर, मैंने ऑलमोस्ट 3 सर्जरी देखी, लाइक 2.5। एक मैंने देखा लैप एपेंडेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टमी और लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, और एक पेशेंट तो एनेस्थीसिया में ऑलमोस्ट क्रैश करने वाली थी, वो देखा। काफ़ी स्कैरी था, आई कुडंट रिकॉर्ड इट। और अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं कौन सी क्लास है। When teachers don't come for the class. बस बैठे हुए हैं, कोई क्लास ही नहीं हो रही है। इतने बार ऐसा हो गया है अब, प्रॉपर थर्ड ईयर फीलिंग अब आ रही है भाई। ENT हो रहा है। When teachers finally come for the class. Kids gossip. Sabak. Adults play games. Legends sleep. Ultra legends miss attendance. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हेलो गाइज, आई हैव स्किल्स लैब टुडे और मुझे एक्चुअली स्किल्स लैब ही नहीं मिल रहा है। बताओ कि कैसे पकड़नी है। इसके अंदर से बाहर आना, फोर्सेप्स नहीं है ना, वैसे निकाल दे इसको, पीछे खींच, बाहर निकाल और इसको निकाल। सही है। अब थोड़ा सा ओपन कर। हाँ, अब होल्ड कर दूसरे इसको होल्ड करो। अब इसे आगे खींच, छोड़ना मत। अपने हैंड को पीछे लेकर जाओ। यस, बाहर खींच, निकाल उसको। एग्जैक्टली। अबे यार, सब बहुत ही अच्छे लैब के बाद हम जा रहे हैं ENT क्लास। ENT की फर्स्ट क्लास में नोड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जस्ट बिलो द हाइपोब्रांकियल एमिनेंस, लाइक दिस इज शोन हियर। आई कैन फ्लैशबैक। End of flashback. When the teacher asks the CR to take attendance. Present बोला तो present. So guys, third year आ गया है, books भी ले ली हैं, but at the end obviously मेरे को videos से ही पढ़ना है। मुझे पता है ये बात, तो मैंने अपने काफी सीनियर से बात करी कि कैसे अप्रोच करना है थर्ड ईयर वगैरह। एंड जो सारे बच्चों को गाइड करते हैं, उनका नाम है एरन सर। वो लाइक अनडिफीटेड टॉपर है हमारे कॉलेज के और बहुत स्वीट है वो, तो सब बताते हैं, लाइक बहुत हेल्प करते हैं हमारी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जूनियर सीनियर 2020 और उसमें उन्होंने सब बताया कि PSM ऑप्था ENT फोरेंसिक कैसे पढ़ना है, कि बुक्स के बाद वीडियो पढ़नी है। मतलब बेसिकली उन्होंने सब बताया कि उन्होंने कैसे पढ़ा। और देखो वीडियो सोर्स, PSM के लिए मैरो, ENT के लिए मैरो, वेरी वेरी गुड, ऑप्स गाइनी राइट नाउ ओनली वीडियोज फ्रॉम मैरो। तो मतलब मैरो ही था ऑब्वियस चॉइस, तो मैंने मैरो से ही पढ़ना शुरू किया है। मैंने ENT पढ़ना शुरू किया है, ऑब्स गाइनी पढ़ना शुरू किया है। सो इसमें बहुत स्टार्टिंग्स हैं टॉपिक्स, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ईयर, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ईयर, एनाटॉमी ऑफ ईयर। तो इससे क्या होगा ना कि आपका पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या है, आपको नीट PG देना है, आपको USMLE देना है। तो बहुत अच्छे से जो भी आप पुराना एनाटॉमी वगैरह भूल गए वो भी होगा कवर। ऑल्सो अब नीट PG और USMLE फोकस पढ़ाई करनी है, तो मैं मेरे को जितने सीनियर्स मिले हैं उन सब ने ये बोला है कि जितना भी तुमने मैरो छोड़ रखा है वो पूरा करो। तो अब मैं एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि USMLE देना है। ऑल्सो सम ऑफ यू आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट मैरो, जो मैं एंड में बताऊंगी। सो गाइज, आज मेरे को एक स्किट परफॉर्म करना है कॉलेज में और बहुत ही एम्बैरेसिंग है वो। मुझे उसमें स्टेप्स बताने हैं हैंड वॉशिंग की और ORS के बारे में पूरा चीज़ बताना है। और वो बहुत सब ना हंसाते रहते हैं पूरे टाइम, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता स्किट करना। बट लेट्स सी, शायद थर्ड ईयर में सब बड़े हो गए हो। आपको ORS के कंपोनेंट्स बताएंगी और उनके यूजेस बताएंगे। तो बेसिकली हम ORS कब यूज करते हैं? हम ORS तब यूज करते हैं जब डायरिया होता है और हमें ऑस्मोटिक बैलेंस बॉडी का वापस लाना होता है, ठीक है। इट इज द सेफेस्ट, इट्स द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे। इसमें बहुत सारे टाइप के ORS हम यूज कर सकते हैं। घर में हम शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, या फिर हम बॉइल्ड राइस का वाटर यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज नींबू पानी। लेस देन 2 years का अगर बेबी है तो उसको टीस्पून से हर 2-3 मिनट के इंटरवल पे हम एडमिनिस्टर करेंगे। अगर ओल्डर चाइल्ड है तो उसको हम कप में दे सकते हैं, और एडल्ट है तो जितना पी सकते पियो यार। Have an absolute blast. Now आप सबके लिए एक छोटी सी प्रस्तुति। आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। Rub the palms, 1, 2. Rub the knuckles, 1, 2. Rub the insides of your fingers. Future of healthcare. हमने भी एक पेशेंट का सर पूरा हिस्ट्री लिया और उसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स थे। अब वो हिस्ट्री लिख रहे हैं। भाई को हिस्ट्री दिखा दो। मैंने हिस्ट्री ली थी बट मैंने लिखा नहीं ढंग से। ये सरासर झूठ है। When the class project has only girls. Present अलवेरा करेगी, वो लेंसेज पहन के आएगी आज। अलवेरा तू कर दियो। जो ग्रे लेंस पहन के आएगा वो प्रेजेंट करेगा। बात तो सही है। मैं ऑलरेडी टारगेटेड हूँ। अभी तू बाल खोल ले, तू और सुंदर लगेगी, तेरे को नहीं डांटेंगे। आधे में छोड़ देंगे, आधे में छोड़ क्योंकि तुम बैठ जाओ, तुम बहुत सुंदर हो। Unfair advantage। देखो द पेशेंट हैज अ टीबी लिखा होगा क्योंकि टीबी सबसे पहले हुआ था ना। नहीं, टीबी सबसे लास्ट में हुआ है। 2019 the patient was diagnosed with TB in 2018 and was treated by the end of 2019. ठीक है? I thought 2019. हाँ बताया ये उसके words हैं. Complete recovery हो गई. लिख हम रहे हैं शब्द उनके. ये thank you. मेरे को लगता है वो पक्का smoke तो करती होगी. पक्का smoke करती होगी. मुझे भी लगता है. भीड़ कैसे judge कर? अबे नहीं पता है, मैंने उससे पूछा कि मतलब इसने सिमरा ने पूछा था ना कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं, वो थोड़ी देर रुक गई और मुझे समझ में आता कि वो मास्क के अंदर से स्माइल कर रही है। मुझे एक चीज़ पूछनी थी, आपको जो दर्द ये होता था ये आपको मतलब जब 6 दिन से हुआ तो ये 6 दिन से फिर होता ही रहा आपको? अबे वो पक्का सीजर है, पक्का सीजर है। मेरे को भी होता था क्योंकि इसलिए मेरे को पता है क्या होता है। आँखें खुली हुई हैं, मैं शुमैला को देख रही हूँ, मैं अपना टेबल देख रही हूँ, मैं सीलिंग देख रही हूँ। आई कांट मूव माई बॉडी एंड आई वाज सो टेरिफाइड एंड आई वाज, मुझे वो फीलिंग आई पीछे कोई खड़ा है, मैं अपना गर्दन टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे विधि मेरी वीडियो ले रही है। दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरी पर्सनल स्टोरी ना, कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है, ये सीजर के बारे में बात हो रही है। ये तेरी पर्सनल स्टोरी का सीजर के बारे में बात हो रही है। कॉपीराइट क्लेम करो। हर मंथ मेरा स्टाइपेंड आना चाहिए। सही बात है। पता है क्या ये एग्जाम ऐसे स्ट्रेसफुल होना, इस एग्जाम्स में भाई फट गई। And now your marrow questions. Okay, so second year में नीट पीजी वगैरह तो ऑब्वियसली दूर होता है बट प्रॉफ एग्जाम्स मेन होते हैं। सेकेंड ईयर में थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैंने तो वीडियोस देखी थी, अगर आपको सारे वीडियोस नहीं भी देखनी तो नोट्स तो आपको हेल्प करेंगे। प्लस उनका पर्ल्स फीचर है क्योंकि इतना सारा सिलेबस है तो आप पर्ल्स फीचर में फटाफट से आप लाइक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो। मेन की पॉइंट्स हैं वो। तो मैंने ये दोनों चीजें तो यूज करी थी सेकेंड ईयर में अच्छे से प्रॉफ एग्जाम देने के लिए। सो मैंने तो मैरो फर्स्ट ईयर से लिया था बट फर्स्ट ईयर इज स्टिल अ चॉइस, आपको लेना है नहीं लेना, डिपेंडिंग ऑन योर गोल आपको आगे क्या करना है। बट थर्ड ईयर में तो नेसेसरी हो जाता है। लिटरली आपको प्रॉफ देने के लिए, आपको यूएसएमएलई देने के लिए, आपको प्लैब देने के लिए, आपको जो भी आपको नीट पीजी देने के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियोज मैरो की देखना। तो थर्ड ईयर में तो ले ही लेना डेफिनेटली 100%। A lot of my friends studied from those notes. I personally make my own notes, but I used Marrow notes as well. You can order the notes from Marrow. तो इतने बड़े पार्सल में वो खूब सारे notes भिजवाते हैं अपनी फैंसी से, या फिर आप ऑनलाइन ऐप में notes देख सकते हो। And if you have any other questions, तो please comment करके बताओ यार। I am, you know, going to guide you now क्योंकि oh my god मैं थर्ड ईयर में आ चुकी हूँ। And make sure you like, share and subscribe। बहुत सारी फन चीजें आ रही हैं और फिर से अब थोड़ा प्रेप वाला जोन भी आ रहा है। बट कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली पता नहीं क्या होने वाला है बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी है प्लीज सब्सक्राइब एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।